मकान अवैध है तो उसमें तो कार्रवाई होगी। अब आप कह रहे हैं कि पकड़े जाने पे क्यों, मैं उदाहरण दे रहा हूं, बता रहा हूं, आप अपनी गाड़ी चलाते जा रहे हैं, आप ओवरटेक करें, पुलिस रोक लेती है और उस समय आपके पास गाड़ी कागजात ना हो तो आप थोड़ी कहेंगे नहीं नहीं मेरा सिर्फ ये देखो कि ओवरटेकिंग सही थी कि नहीं थी, तब तो गाड़ी जब्त हो जाती है ना अगर गाड़ी कागजात नहीं है। सेम स्थिति है कि अगर आपने कोई अपराध किया और आपकी जांच हुई और माना गया कि आपका अवैध उसके ऊपर बना हुआ है तो आप जब प्रकाश में बात आ गई तो खत्म। अब स्थिति जानते क्या है, एक दौर था हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में क्या छवि बनी हुई थी, याद करिए पुरानी फिल्म थी कंपनी जिसमें मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट किलर दिखाया गया है, गोली चलाने के बाद वो बस में बैठता है और क्या लिखा हुआ आजमगढ़ 500 किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश की छवि बना के रखी। पूर्वी उत्तर प्रदेश किसके लिए जाना जाता था, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अबू सलेम, छोटा शकील। आज ये सब बदलाव हुआ है, उसमें बहुत बड़ा रोल बुलडोजर का है, जो हम लोग चुनाव के समय गीत बहुत चला था ना भोजपुरी में कि बिलवा में घुस जाए ला सब सांप बिच्छू गोजर, चले ला जब चाप के बाबा का बुलडोजर।